Hello students, myself Professor Amit Pardesi. Welcome to the lecture number 2 of Parallel Lines and Transversal. Okay, चलिए previous lecture में हमने क्या-क्या study किया था? एक छोटा सा उसका revision लेते हैं बच्चों, ठीक है? तो previous lecture में हमने क्या-क्या study किया था? Previous lecture में हमने parallel line का definition study किया था. Non-intersecting line is known as a parallel lines. Am I right? Okay. नेक्स्ट हमने ट्रांसवर्सल का डेफिनेशन स्टडी किया था. व्हाट इज अ ट्रांसवर्सल? ट्रांसवर्सल इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट एनी टू गिवन लाइन एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. और वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ट्रांसवर्सल क्या करता है बच्चों? एट एंगल्स फॉर्म करता है. एट एंगल्स, ओके. और उन एट एंगल्स में हमें फोर पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स मिलते हैं, टू पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स मिलते हैं, टू पेयर्स ऑफ इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स मिलते हैं एंड टू पेयर्स ऑफ एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स मिलते हैं. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था, लेक्चर नंबर 1 में. ओके, चलिए अब हम लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करने के पहले थ्री इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज या थ्री इंपॉर्टेंट थियोरम्स जो हम आने वाली एक्सरसाइज में या फिर आने वाले कई टॉपिक्स में यूज करेंगे, जहां ये नए रिक्वायर मतलब इनका यूज होगा, इनका रिक्वायरमेंट रहेगा, तो हम इन्हें यूज करेंगे. और इनके बारे में हल्का सा नॉलेज मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको ऑलरेडी पहले दे दिया है. तो दिस थ्री इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, चलिए देखते हैं पहला प्रॉपर्टी क्या है बच्चों. द फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लियर? द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ टू लाइंस आर पैरेलल. मतलब जब दो पैरेलल लाइन हमारे पास है, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड, मतलब दो पैरेलल लाइन को कोई काट के जा रहा है. कौन काट के जा रहा है बच्चों? ट्रांसवर्सल. कौन काट के जा रहा है? ट्रांसवर्सल. द इंटीरियर एंगल्स ऑन द आइदर साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. कहने का मतलब जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो जो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, दे विल बी सप्लीमेंट्री. और ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था बच्चों कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर व्हेन लाइंस आर पैरेलल. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था. ओके, स्टडी किया था. आज का लेक्चर इसी के ऊपर बेस्ड है स्टूडेंट, इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है. लाइंस जब भी पैरेलल देखेंगे और इंटीरियर एंगल हमें मिलेगा, हम सीधा उसे सप्लीमेंट्री बताएंगे. जब भी लाइन पैरेलल दिखेगा, इंटीरियर एंगल दिखेगा, तो हम सीधा इंटीरियर एंगल को सप्लीमेंट्री बताएंगे. दैट मीन्स उनका टोटल 180 शो करेंगे. दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी, द करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके, द करस्पॉन्डिंग एंगल, एफ शेप एंगल, पहचान गए ना बच्चों? फॉर्म बाय द ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस. अगेन बच्चों, यहां पर दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल ने पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट किया और करस्पॉन्डिंग एंगल्स बने. करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो बनेंगे उनका मेजर्स ऑलवेज इक्वल होगा, भूलना नहीं है. प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने ये चीज कही थी आपको और आज भी मैं कह रहा हूं लेक्चर नंबर 2 में कि जब भी लाइन पैरेलल है और ट्रांसवर्सल उन्हें इंटरसेक्ट करेगा और करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा और वो करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रेंट होंगे. नेक्स्ट, थर्ड प्रॉपर्टी, ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय द ट्रांसवर्सल. कौन बना रहा है ऑल्टरनेट एंगल? ट्रांसवर्सल फॉर्म कर रहा है. किसके ऊपर बना रहा है? ऑफ टू पैरेलल लाइंस. कहने का मतलब दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल उन्हें इंटरसेक्ट करता है और ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं. ऑल्टरनेट एंगल्स जो बनेंगे वो इक्वल मेजर्स के होंगे क्योंकि लाइन पैरेलल है बच्चों. तो जब भी लाइन पैरेलल दिखेगा और ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट होते हुए दिखेगा तो ऑल्टरनेट एंगल्स जो बनेंगे हम उन्हें इक्वल बोलेंगे. तो ये है वेरी इंपॉर्टेंट थ्री प्रॉपर्टीज, हम इन्हें इंपॉर्टेंट थ्योरम्स भी कह सकते हैं बच्चों. और इन्हीं तीन प्रॉपर्टीज के ऊपर हमारा पहला एक्सरसाइज, चैप्टर नंबर 2 का पहला एक्सरसाइज बेस्ड है. और इतना ही नहीं, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये तीन प्रॉपर्टी आपको आने वाले कई चैप्टर्स में, कई क्वेश्चंस में, कई टॉपिक्स में यूज करने को मिलेगा. ओके, इन्हें यूज करना पड़ेगा हमें, तब जाके वो टॉपिक सॉल्व होंगे. तो दिस आर द वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. ओके, चलिए तो हम
आज इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पे कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चंस है टेक्सुअल क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. ओके, महाराष्ट्र बोर्ड ने जो टेक्स्ट बुक आपको प्रोवाइड किया है उन्हीं टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को आज हम लेक्चर में देखेंगे. ओके, तो पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 2.1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने रेडी है बच्चों. पहला क्वेश्चन डायग्राम यहां पर रेडी है, गिवन लिखा हुआ है, फाइंड लिखा हुआ है. चलिए हम सबसे पहले गिवन पढ़ेंगे. सबसे पहले गिवन लिखा हुआ है लाइन आरपी इज पैरेलल टू लाइन एमएस. ध्यान से देखिए लाइन आरपी, ध्यान से देखिए लाइन एमएस, दोनों लाइन आपस में है पैरेलल बच्चों. क्या है दोनों? पैरेलल. ओके, लाइन डीके इज द ट्रांसवर्सल लाइन डीके. ध्यान से देखिए लाइन डीके वो ट्रांसवर्सल है बच्चों. क्या है वो? ट्रांसवर्सल. एंगल डीएचपी, एंगल डीएचपी यहां पर आपको देखने को मिलेगा. एंगल डीएचपी इट इज एग्जैक्टली 85 डिग्री. इट इज एग्जैक्टली 85 डिग्री गिवन इन द क्वेश्चन. और हमें फाइंड करना है एंगल आरएचडी. ये रहा एंगल आरएचडी. ओके, नेक्स्ट है पीएचजी. पीएचजी दिस वन, एचजीएस, एचजीएस दिस वन, एंड एमजीके दिस वन. तो 1, 2, 3, 4 ये चार एंगल हमें फाइंड करना है वन बाय वन करके. और इन्हें फाइंड करते वक्त जो तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी उनकी मदद लेनी है हमको. और जो भी हमने लोअर स्टैंडर्ड में सीखा है, 6th स्टैंडर्ड में 7th स्टैंडर्ड में जो सीखा है उनकी हेल्प लेनी है. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों से ये बताना चाहूंगा कि यहां पर ये जो आर एच डी ये एंगल जो है बच्चों, ये एंगल इस एंगल के साथ लीनियर पैर में है. ध्यान से देखिए इन दोनों एंगल को, ध्यान से देखिए दोनों एंगल लीनियर पैर में. कहने का मतलब आर एच डी या आर एच डी ये एंगल जो है ये आपको लीनियर पैर की मदद से मिलेगा. ठीक है, तो चलो बच्चों अब मैं आपको लीनियर पैर की मदद से आर एच डी एंगल फाइंड करके दिखाऊंगा. सॉल्यूशन का पहला पॉइंट एंगल आर एच डी प्लस एंगल डी एच पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. वाई? बिकॉज दे आर इन अ लीनियर पैर. वाई? बिकॉज दे आर इन अ लीनियर पैर. ओके, चलिए आर एच डी मुझे मालूम नहीं है बच्चों, लेकिन डी एच पी मुझे पता है, दैट इज 85 डिग्री. ओके, सो एंगल आर एच डी विल बी 180 माइनस 85, दैट विल बी 95 डिग्री. तो यहां पर मुझे बच्चों आर एच डी जो पहला हमारा फाइंड है वो 95 डिग्री है, वो हमें पता चल गया बच्चों. ओके, चलो पहला फाइंड तो हमें मिल चुका है. अब सेकेंड फाइंड पे जाएंगे पी एच जी. सेकेंड फाइंड है पी एच जी दिस वन एंगल, ये वाला एंगल. ध्यान से देखिए इस एंगल को इसके साथ वो है वर्टिकली अपोजिट. एम आई राइट? तो बताइए, सोचिए बच्चों ये एंगल कितना होना चाहिए. ये एंगल होना चाहिए 95 बिकॉज बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल. सो यहां पर बच्चों नेक्स्ट जो है हम फाइंड करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल से एंगल पी एच जी, जिसे हमें फाइंड करना है वो इक्वल है एंगल आर एच डी के साथ, इसीलिए दोनों का डिग्री होगा 95. रीजन बड़ा सिंपल है स्टूडेंट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. व्हाई? बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. चलो सेकेंड फाइंड भी आ गया है. अब थर्ड फाइंड एच जी एस फाइंड करना है बच्चों. एच जी एस दिस वन, ध्यान से देखिए इन दोनों एंगल्स को, ध्यान से देखिए इन दोनों एंगल्स को बच्चों. दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो इसका 85 है बच्चों, तो ये कितना हो गया? 85. हम इसे दूसरे तरीके से भी ढूंढ सकते हैं. यहां पर सी शेप बनता हुआ दिख रहा है बच्चों, सी शेप इंटीरियर एंगल दिख रहा है हमें. तो इंटीरियर एंगल में अगर एक 95 है तो दूसरा हम 180 से सब्ट्रैक्ट करके ढूंढेंगे तो 85 ही आएगा बच्चों, 85 ही आएगा. तो इट इज आर चॉइस, हमारी चॉइस है कि हम इस एंगल को करस्पॉन्डिंग एंगल बनाकर ढूंढे या फिर इंटीरियर एंगल को बनाकर ढूंढे. बोथ आर करेक्ट, एग्जाम में दोनों के लिए फुल मार्क्स मिलेगा बच्चों. राइट नाउ हम यहां पर करस्पॉन्डिंग एंगल की मदद से बताएंगे.
सो नेक्स्ट थर्ड एच जी एस जो हमें ढूंढना है वो इक्वल है एंगल डी एच पी के साथ और दोनों का 85 डिग्री है. द रीजन इज वेरी सिंपल बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके क्लियर बच्चों? तो यहां पर हमारा तीसरा पॉइंट भी आ चुका है. अब चौथा पॉइंट ढूंढेंगे हम लोग एम जी के. एम जी के को देखिए, इट इज एग्जैक्टली वर्टिकली अपोजिट एंगल. ये एक तरीका है एम जी के को ढूंढने का. दूसरा भी मैं आप लोग को बताना चाहूंगा बच्चों, ध्यान से देखिए, डायगोनली अपोजिट. अगर मैं इसको देखता हूं, ओके 85, तो ये कितना हो जाएगा 85. वर्टिकली अपोजिट देखूंगा तो भी मुझे 85 ही मिलेगा. तो इट इज आ चॉइस कि मुझे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की मदद से जाना है या फिर एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल डायगोनली. याद आया आपको बच्चों चौथा रिलेशन, एम आई राइट? सो यहां पर हम फिलहाल वर्टिकल अपोजिट एंगल की मदद से जाएंगे. ओके तो फोर्थ पॉइंट एम जी के जो हम ढूंढ रहे हैं वो इक्वल है एंगल एच जी एस के साथ, दोनों का होगा 85. रीजन बड़ा सिंपल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो ये हो गया हमारा चारों फाइंड, एक एक करके हमने ढूंढ लिया है बच्चों. चारों फाइंड को हमने एक एक करके ढूंढ लिया है. तो ये क्वेश्चन यहां पे हो जाता है फिनिश. ओके चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 2. इस क्वेश्चन में लाइन पी एंड लाइन क्यू आर पैरेलल. ध्यान से देखिए लाइन पी को, ध्यान से देखिए लाइन क्यू को, दोनों है पैरेलल एक दूसरे को. लाइन एल एंड लाइन एम बोथ आर द ट्रांसवर्सल, बोथ आर द ट्रांसवर्सल. ओके और हमें ए बी सी डी ये चार एंगल्स हमें फाइंड करना है बच्चों. तो चलिए एक एक करके हम फाइंड करेंगे. सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एंगल ए को देखिए, ध्यान से देखिए एंगल ए को, ध्यान से देखिए एंगल ए को एंड ये 110 डिग्री को, ध्यान से देखिए बच्चों, आराम से, कोई घाई नहीं है बच्चों. ठीक है, ध्यान से देखिए एंगल ए को और 110 को, बोथ आर इन अ लीनियर पेयर. मतलब यहां पर एंगल ए मुझे कैसे मिलेगा, 180 से 110 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो मुझे ए एंगल का मेजर मिल जाएगा. इसी तरीके से बच्चों अगर मैं यहां पर एंगल डी और 115 को देखता हूं तो बच्चों मुझे यहां पर एंगल डी और 115 ये भी लीनियर पेयर में दिखाई देते हैं. कहने का मतलब डी को भी मैं कैसे ढूंढ सकता हूं, लीनियर पेयर की मदद से. तो चार एंगल में से मुझे एंगल ए और एंगल डी बहुत आसानी से लीनियर पेयर की मदद से मिल रहे हैं. तो एक काम करते हैं बच्चों, हम पहले एंगल ए और एंगल डी को ढूंढ लेते हैं, लिख लेते हैं सॉल्व करके, देन उसके बाद हम एंगल बी और एंगल सी के बारे में सोचेंगे कि वो कैसे आएगा. तो सबसे पहले हम दो लीनियर पेयर से एंगल ए और एंगल डी को फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 सॉल्यूशन. स्टेप नंबर 1 एंगल ए प्लस 110 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. व्हाई? बिकॉज दे आर इन अ लीनियर पेयर. ओके एंगल ए प्लस 110 शिफ्ट होगा ऑन द राइट हैंड साइड. 180 माइनस 110 एंगल ए इज इक्वल्स टू 70 डिग्री. सो एंगल ए मुझे मिल जाता है 70. ओके तो मेरा एंगल ए आ चुका है. अब मैं एंगल डी को फाइंड करने जा रहा हूं बच्चों. ओके तो पॉइंट नंबर 2 एंगल डी प्लस 115 इज इक्वल्स टू 180. द रीजन इज वेरी सिंपल बच्चों, लीनियर पेयर. सो एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 115. सो एंगल डी इज इक्वल्स टू, माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 65 डिग्री. ओके सो डी का मुझे मिल चुका है 65 डिग्री. चलो दो एंगल्स तो हमने फाइंड कर लिया बच्चों, अब दो बचा है उसे ढूंढेंगे. सबसे पहले बी को ढूंढेंगे. बी के लिए हम ए और बी को ध्यान से देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे ए और बी को. तो आप अगर प्यार से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं बच्चों, तो आपको दो लाइंस देखने मिलेंगे, एक है पी और एक क्यू. चेक कीजिए साहब, चेक किया आपने?
ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल ऐसे पास होते हुए दिखेगा जिसका नाम है एल। चेक कीजिए, चेक किया आपने, यहां पर एंगल ए मिलेगा, यहां पर एंगल बी मिलेगा। चेक कीजिए बच्चों, चेक किया आपने, डायगोनली देखिए, दे आर डायगोनली अपोजिट। डायगोनली अपोजिट का मतलब एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। तो ए का हमने थोड़ी देर पहले कितना ढूंढा, 70 डिग्री, तो बी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो इस तरीके से हमने बी को एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल रिलेशन से ढूंढ लिया। ओके, चलिए अभी से लिख के देखेंगे बच्चों। सो पॉइंट नंबर थ्री, पॉइंट नंबर थ्री, एंगल ए एंड एंगल बी बोथ आर इक्वल और दोनों का 70 डिग्री है। रीजन इज वेरी सिंपल, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके, चलो बी आ चुका है, अब सी ढूंढना बाकी है बच्चों। एक एंगल सी, बस वो आ जाए तो अपना काम हो जाएगा, बराबर। तो चलो अब सी को फाइंड करने के लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आपको एक लाइन ऐसे मिलेगा पी और ऐसा एक लाइन मिलेगा क्यू जो आपस में क्या है बच्चों, पैरेलल। चेक कीजिए, चेक किया, ओके। एक ट्रांसवर्सल मिलेगा जो ऐसे पास होके जा रहा है एम। चेक कीजिए बच्चों, यहां पर चेक किया आपने, ओके, वेरी गुड। अब आपने ध्यान से देखेंगे तो यहां पर सी देखने मिलेगा और यहां पर 115 देखने मिलेगा। चेक कीजिए, कम ऑन, जल्दी जल्दी चेक कीजिए इसे वहां पर। तो आपने चेक किया तो आपको महसूस होगा कि ये सी और ये 115 दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल, दे आर इन एफ शेप। ओके, मतलब सी का भी होगा 115। तो इस तरीके से हमने सी को भी ढूंढ लिया है। ओके, अब इसे लिख के दिखाएंगे हम लोग। चलो, तो स्टेप नंबर फोर बनेगा अभी हमारा। स्टेप नंबर फोर, एंगल सी का 115 डिग्री रहेगा। रीजन बड़ा सिंपल है इसका बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या है रीजन इसका, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो इस तरीके से हमने एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी एंड एंगल डी, ए बी सी डी, ये चार एंगल जो हमें फाइंड करने थे वो हमने एक एक करके अलग अलग रिलेशंस की मदद से ढूंढ लिया। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। ओके, यहां पर आपको देखने मिलेगा कि लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है बच्चों। देखो गिवन में लिखा है लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, गिवन में दिया है बच्चों। नेक्स्ट है लाइन एन इज पैरेलल टू लाइन पी, लाइन एन इज पैरेलल टू लाइन पी, ये भी गिवन में दे दिया है बच्चों। तो यहां पर अगर हम ऐसे देखो तो भी पैरेलल लाइन है, ऐसे देखे तो भी पैरेलल लाइन है। जब हम इन्हें पैरेलल लाइन बोलेंगे तो ये ट्रांसवर्सल बन जाएंगे, और जब हम इन्हें पैरेलल लाइंस बोलेंगे तो ये दोनों ट्रांसवर्सल बन जाएंगे। यहां तक समझ में आया सबको? और हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में एंगल ए बी एंड सी को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, चलो देखते हैं, रेडी। तो सबसे पहले मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि आप इस 45 को देखिए और इस डी को देखिए, 45 को देखिए और डी को देखिए, आपको पता चल जाएगा दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल, दे आर एफ शेप एंगल। सो डी मुझे कितना मिलेगा बच्चों, 45 डिग्री मिलेगा। चलो डी 45 मिल रहा है तो पहले हम उसी को लिख लेंगे। ओके, अब आप बोलेंगे डी कहां से आया, पॉइंट में तो है ही नहीं। ये डी हमने स्पेशली रखा है वहां पर बाकी तीन एंगल्स को ढूंढने के लिए, बाकी तीन एंगल्स के बीच में कनेक्शन डेवलप करने के लिए हमने यहां पर कोई एक एंगल की जरूरत थी तो हमने यहीं पे पास में ही एक एंगल डिनोट कर दिया है और उसकी मदद से अब हम बाकी सारे एंगल्स को ढूंढेंगे। तो सबसे पहले हमें डी मिल रहा है, तो बच्चों सॉल्यूशन में हम पहले डी को लिख देंगे। फर्स्ट इज एंगल डी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, द रीजन इज वेरी सिंपल, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब आप सोचेंगे कि डी मिलने की मदद से क्या ए बी सी मिल जाएगा, हाँ बच्चों मिल जाएगा, चलो देखते हैं कैसे मिलेगा। देखो डी 45 है, हाँ या नहीं, डी 45 मिल चुका है। तो डी और ए को देखिए बच्चों, डी और ए को देखिए, दे आर इन अ लीनियर पेयर, मतलब ये ए मुझे लीनियर पेयर की मदद से मिलेगा बच्चों।
तो यहां पर सेकेंड स्टेप, नाउ द सेकेंड स्टेप बच्चों, एंगल ए प्लस एंगल डी दोनों का टोटल होगा 180 डिग्री, क्योंकि रीजन बड़ा सिंपल है, लीनियर पेयर, जिसमें एंगल ए मुझे पता नहीं है लेकिन डी मुझे 45 मिल चुका है बच्चों, तो इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल ए इक्वल्स टू 180 माइनस 45, सो एंगल ए विल बी 135 डिग्री, तो मुझे एंगल ए मिल चुका है बच्चों डी की मदद से। अब पता चला कि हमने डी वहां पर क्यों रखा है, डी को ढूंढने से बाकी सारे एंगल्स का आंसर बहुत जल्दी जल्दी आपको मिलेगा। ओके चलिए, तो ए मुझे मिल चुका है 135 डिग्री। अब ए को देखिए और बी को देखिए, ए एंड बी दोनों एंगल्स को देखिए, बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। यस, जो आपके दिमाग में आ रहा है वो मेरे दिमाग में भी आया कि मैं डी और बी को लीनियर पेयर से भी सॉल्व कर सकता हूं। यस, मैं सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन यहां पर हम वर्टिकल अपोजिट एंगल लेके लिखेंगे। ओके, तो स्टेप नंबर 3, एंगल ए एंड एंगल बी बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, दोनों का 135 रहेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके चलो, तो ए मिल गया, बी मिल गया, अब हमें फाइंड करना है सी। ध्यान से देखिए, बी को 135 डिग्री और ध्यान से देखिए सी को, बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल, यस और नो, बोथ आर इन एफ शेप। दूसरा जो आपके दिमाग में आ रहा है वो मेरे दिमाग में भी आया है बच्चों, अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो जेड शेप बनता हुआ दिख रहा है, जेड शेप, तो जेड शेप में मुझे ए और सी दिखाई दे रहे हैं, तो मैं ऑल्टरनेट एंगल की मदद से, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल की मदद से भी सी को ढूंढ सकता हूं बच्चों। ओके, सी को ढूंढ सकता हूं, तो चलिए अब हम सी को ढूंढेंगे। स्टेप नंबर 4, सी को हम बताएंगे बी के साथ इक्वल 135 डिग्री, रीजन होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, बड़ा सिंपल सा रीजन है, करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर मैं यहां पर सी को ए से इक्वल दिखाता हूं तो रीजन चेंज हो जाएगा, रीजन हो जाएगा इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। कई स्कूल्स में इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स को ऑल्टरनेट एंगल्स करके भी लिखाते हैं, वो तो करेक्ट, टीचर अगर लिखाता है ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आप ऐसा लिख सकते हो। ओके, तो यहां पर हमने एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों को फाइंड किया, और तीनों को फाइंड करने के लिए हमने एंगल डी हमने खुद रखा। तो आपने यहां पर एक चीज सीखी कि कभी कभी अगर जरूरत पड़े तो हम डायग्राम में किसी तीसरे एंगल की मदद से, ओके, तीसरे एंगल की मदद से हम हमारे फाइंड को ढूंढ सकते हैं, ये चीज भी हमने यहां पर सीखी है बच्चों। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन यहां पे हो जाता है सॉल्व। अब हम आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों, आखिरी क्वेश्चन आज के लेक्चर का, बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई स्कूल्स में, स्कूल के यूनिट टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। ओके, कई स्कूल के टीचर्स का बहुत ज्यादा पसंदीदा क्वेश्चन है ये। ओके चलिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखने में डरावना लग रहा है लेकिन है बड़ा सिंपल क्वेश्चन बच्चों। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है साइड ऑफ द एंगल पी क्यू आर एंड एंगल एक्स वाई जेड आर पैरेलल, जो साइड्स है बच्चों, साइड्स, एंगल के साइड्स, वो आपस में क्या है बच्चों, पैरेलल। तो यहां पर मैं साइड्स के ऊपर पैरेलल का सिंबल बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों, ये बन गया पैरेलल का सिंबल। PQ is parallel to XY and YZ is parallel to QR. YZ is parallel to QR. ये है आपस में पैरेलल और ये है आपस में पैरेलल बच्चों, गिवन में दे दिया है और हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल इस एंगल से कॉन्ग्रेंट है। ओके, एंगल XYZ एंड एंगल PQR ये आपस में कॉन्ग्रेंट है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, कोई दिक्कत नहीं, हम अभी प्रूफ कर देंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि डायग्राम देख के आप समझ ही गए होंगे कि जो हमारा गिवन है वो इनसफिशिएंट है, कहने का मतलब हमें एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन इसके अंदर पुट करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। अब उसका मीनिंग होता है कि हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब क्या है कंस्ट्रक्शन, तो मैं आपको लिख के बताना चाहूंगा। ओके, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, हम यहां से एक्स वाई को एक्सटेंड करेंगे। ओके,
एक्स वाई को इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे, क्लियर, और यहां पर एक पॉइंट बनाएंगे, क्लियर, और उस पॉइंट को हम एक नाम देंगे एस। क्या नाम देंगे? एस। ऐसा कोई जरूरी नहीं है एस देना है, आप कोई भी अल्फाबेट दे सकते हैं, बस डायग्राम में ध्यान रखना है कि कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं होना चाहिए। सो एस मुझे कहीं दिख नहीं रहा था तो मैंने एस रख दिया। ओके ओके, तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, हमने एक्सटेंड किया, किसको एक्सटेंड किया, एक्स वाई को। ओके, लेट इट इंटरसेक्ट क्यू आर एट पॉइंट एस सच दैट, हम कोलिनियर बताएंगे, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद एस एंड क्यू के बाद एस, एस के बाद आर। ओके, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया बच्चों। अब ये कंस्ट्रक्शन करने से देखो कितना आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलो रेडी, तो ध्यान देंगे, जैसे मैं कहूंगा आपको वैसा देखना है, समझना है। ध्यान से देखिए, आपको दो पैरेलल लाइन ऐसे देखने को मिलेंगे, दो पैरेलल लाइन, एक ऐसा एक ऐसा, और ट्रांसवर्सल ऐसे देखने मिलेगा आपको। चेक कीजिए बच्चों, मिला आपको ऐसा? तो क्या मैं इन दो एंगल्स को करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोल सकता हूं? यस, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है बच्चों। तो ये एंगल जिसे मैं यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं, और ये एंगल जिसे मैंने यहां पर हाईलाइट किया है, ये दो एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ओके, तो चलिए हमारा प्रूफ का पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हमारा रेडी हो रहा है। एंगल पी क्यू आर इक्वल है एंगल एक्स एस आर के साथ, रीजन है करस्पॉन्डिंग एंगल, रीजन है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, चलिए यहां तक समझ में आया सबको? अब मैं दोबारा दिखाऊंगा आपको कुछ चीजें, वापस से देखिए। अब आपको ऐसे दो पैरेलल लाइंस देखने हैं, चेक कीजिए, दो पैरेलल लाइन आपको ऐसा मिला, मिला ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल मिला। तो हमने इन दो एंगल्स को क्या बोला, कॉन्ग्रेंट बोल दिया, बराबर, ठीक है। अब ऐसा ही कुछ हम देखेंगे अब, लेकिन पैरेलल लाइन इस तरीके से होगी, चेक कीजिए, और ट्रांसवर्सल ऐसे होगा, चेक कीजिए, ठीक है। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, इधर r है, इधर s है, इधर r है, चेक कीजिए बच्चों। और ये दोनों आपस में पैरेलल दिख रहा है, ये ट्रांसवर्सल है, तो क्या मैं इन दो एंगल्स को करस्पॉन्डिंग एंगल बोल के कॉन्ग्रेंट बता सकता हूं? यस, बता सकता हूं। तो चलिए बच्चों डायग्राम में देखेंगे ये कौन से एंगल है, कहां पर है ये सिचुएटेड। ओके, तो ध्यान से देखिए, ये है वो एंगल और ये है वो एंगल, तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, कॉन्ग्रेंट। तो हमारा सेकेंड स्टेप है, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू एंगल एक्स एस आर, रीजन है करस्पॉन्डिंग एंगल। मैं दोबारा बताना चाहूंगा आपको, ध्यान देना है आपको। ओके, चलिए बच्चे मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा, ध्यान से देखिए, ये है दो पैरेलल लाइन, ये है ट्रांसवर्सल, तो ये दो करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, उसके बाद ये दो पैरेलल लाइन, ओके, ये ट्रांसवर्सल बन गया। ध्यान से देखिए, ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो यहां पर एक एंगल और यहां पर ये एंगल, दोनों क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो दो पॉइंट हमारे बनके तैयार है। चलिए इन दो पॉइंट्स को कंपेयर करके थर्ड पॉइंट बनाएंगे, ठीक है। जैसे हम देख रहे हैं कि इसका आर एच एस राइट हैंड साइड और इसका आर एच एस राइट हैंड साइड सेम है, तो जब राइट हैंड साइड सेम हो जाता है, जब राइट हैंड साइड इक्वल हो जाता है, तो ऑटोमेटिक लेफ्ट क्या हो जाते हैं बच्चों, इक्वल हो जाएंगे। तो क्या देखा हमने यहां पर, हमने ये देखा बच्चों कि ये राइट इस राइट से इक्वल है, ओके, सो ऑटोमेटिक ये लेफ्ट और ये लेफ्ट इक्वल हो जाएगा, मतलब एंगल पी क्यू आर विल बी इक्वल्स टू एंगल एक्स वाई जेड। किसी ने पूछा तो कह देना कि स्टेप नंबर वन को देखा एंड स्टेप नंबर टू को देखा। सो फ्रॉम स्टेप नंबर वन एंड स्टेप नंबर टू, एंगल पी क्यू आर विल बी इक्वल्स टू एंगल एक्स वाई जेड, चेक कीजिए, यही तो है हमारा टू प्रूफ, इसी को तो हमें लाना था। देयरफॉर एंगल पी क्यू आर
जब वो इक्वल है तो आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। क्या हो जाएंगे बच्चों, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन करना था बच्चों हमें। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, एक्स वाई को इस तरीके से एक्सटेंड किया, ओके, यहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट को एस लिखा, फिर उसके बाद इस एंगल को इस एंगल के साथ हमने करस्पॉन्डिंग एंगल शो किया, बाद में इस एंगल को इस एंगल के साथ करस्पॉन्डिंग एंगल शो किया। दो पॉइंट हमारे बन के तैयार हो गए। दो पॉइंट में हमने क्या देखा कि दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, सो ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। और जब लेफ्ट को हमने यहां पर इक्वल लिखा तो हमारा टू प्रूव आ गया, और इस तरीके से पूरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। समझ में आया आज का लेक्चर, समझ में आया सबको? जो भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे कवर किया आपको सब समझ में आ गए होंगे, एम राइट? ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और भी मजेदार क्वेश्चंस के साथ, टेक्सुअल क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, और दुआओं में हमें याद रखिए। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।